किस तरह के बुक्स आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ITJEE आप यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या मैंने रिकमेंड किया था, और जिससे आप भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ये चैनल वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और इसी तरह के वीडियो बुक से रिलेटेड जो रिव्यू हो, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आप लोगों को ला सकूँ। सो देखते हैं हम लोग किस किस तरह के बुक का हम लोगों ने यूज़ किया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक्स से, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स से देखते हैं। तो बेसिक्स से हम लोग देखेंगे, सब आप सभी लोग अवेयर होंगे द वर्ड SC वर्मा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे SC वर्मा के बारे में। तो SC वर्मा के बारे में सभी हम लोग जानते हैं, द वेल नोन राइटर ऑफ आवर कंट्री, तो प्रोफेसर SC वर्मा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, SC वर्मा ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें 11th 12th से रिलेटेड, जो कि ITJEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो पहला बुक क्या है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि पार्ट वन है। तो ये पार्ट वन है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, विच इज़ रिटन बाय प्रोफेसर SC वर्मा। इस बुक की खासियत क्या है, ये बुक जो है थ्योरिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही, इसको डिटेल में अगर एक बार दो बार अगर इसको पढ़ेंगे तब जाके समझ, अगर एक बार आप सिर्फ रीड करते हैं तो इसको थ्रोली समझ में नहीं आएगा। मेन इसकी खासियत का, इस बुक के प्रॉब्लम में, मेन कंसेप्ट जो इसके प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जो बहुत सारे टीचर्स सिर्फ इसके प्रॉब्लम को बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो इसके, इसका जो कंसेप्ट है वो इसके प्रॉब्लम्स में डील होता है। इसके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कंसेप्ट को फिजिक्स में बिल्ड करेगा। तो प्रोफेसर SC वर्मा ने ये बुक लिखा है, बहुत ही प्यारी बुक है ये। इसको आप बेसिकली अगर नीट के बच्चे हैं या फिर JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले बनाएं, तो पहले इसको लगाना एकदम ज़रूरी है, मस्ट है। क्योंकि अगर इसको आप अगर अच्छे से बना लेते हैं तो JEE मेंस का, JEE एडवांस भी आपका हो सकता है। हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो आपको जो पैसेज बेस्ड होते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन ओवरऑल देखा तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है ITJEE के प्रिपरेशन के लिए। ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट वन है, और ये पार्ट टू आपका देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ पार्ट टू, ये पार्ट टू है इसका। ये भी बेसिकली इसमें हम लोग पार्ट वन में हम लोग बता देते हैं, पार्ट वन में जो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, पार्ट वन में बेसिकली आपका डील करता है, तो देख सकते हैं आप लोग पार्ट वन में क्या क्या है। आपको मैकेनिक्स मिलेगा इसमें, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा, और ऑप्टिक्स भी आपका पार्ट वन में दिया हुआ है। फिर टीचर्स लोग 12th में पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें जो है पार्ट वन में आपका ऑप्टिक्स भी कवर करता है। तो साउंड के बारे में, ये सब का आपका फ्लूड मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशन, यानी जितना भी मैकेनिक्स का पार्ट है और फ्लूड मैकेनिक्स है, ये सब क्या है, साउंड है, ये सब पार्ट वन में आपका डील करता है। और पार्ट टू में आपका जो बेसिकली है, पार्ट टू में आपका क्या डील करता है देखेंगे हम लोग। तो पार्ट टू में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और AC यानी अल्टरनेटिंग करेंट, और ये सब जो आपका पार्ट टू में है। और सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, सेमीकंडक्टर हो गया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बहुत सारे पढ़ने हैं ना, जो केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक, एक्सरे के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और कुछ एक स्पेशल टॉपिक इसमें दिया हुआ है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की थी उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है, ब्रीफली कवर है। तो ये सब टॉपिक आपके पार्ट टू में है। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, जो आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। और कुछ और बुक हम लोग देखते हैं, कुछ और टेक्स्ट बुक के बारे में देखेंगे। तो एक आता है बुक जो बहुत ही फेमस है, ये सिंगेज पब्लिकेशन का, विच इज़ रिटन बाय BN शर्मा। तो BN शर्मा इसके टीचर हैं, ये सिंगेज पब्लिकेशन का, जैसा आप देख सकते हैं, ये इसके बहुत सारे पार्ट हैं। अगर कोई बच्चा 9th 10th से ब्रीफली अगर मतलब सोच लिया कि मुझे ITJEE करना है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा बुक है, क्योंकि इस बुक में हर तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे, हर तरह के बुक से रिलेटेड, चाहे वो आपका मतलब, इस बुक में ऐसा है कि जैसे इस टीचर ने जो BM शर्मा सर है, उन्होंने जो कुछ क्वेश्चन अपने ऐड किए हैं, और तरह तरह के जो बुक है, जैसे कि एरोडोफ हो गया फेमस बुक, उससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और भी बहुत सारे जो फॉरेन राइटर के हैं, जैसे रेसनिक खालिड है, उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब तरह तरह के क्वेश्चन पिकअप करके उसमें इसमें जो है टीचर्स ने डाल दिया। तो इसको इतना अगर बना लेता कोई, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, थ्योरी उतना नहीं है, थ्योरी मतलब मेन पॉइंट से रिलेटेड है इसमें, लेकिन जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इसको प्रॉब्लम को आप बना लेते हैं तो हम, मुझे नहीं लगता है कोई और बुक आपको टच करने का जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये बस एक पार्ट है, देख सकते हैं इसका थिकनेस, देख सकते हैं काफ़ी मोटा है, सिर्फ एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इसी तरह के 4-5-6 पार्ट और हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक है ITJEE प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सिंगेज पब्लिकेशन का है, सिंगेज के बारे में आप लोग जानते होंगे। हम लोग और देखते हैं कुछ बुक्स, बुक आता है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट बुक है, इस किस लिए है,
आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन का, अरिहंत पब्लिकेशन आप लोग जानते होंगे। तो इसके राइटर है डी सी पांडे, प्रोफेसर डी सी पांडे, जो आप लोग जानते होंगे। डी सी पांडे की बहुत फेमस बुक आती है। तो इस बुक के जो है कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि ये पार्ट जो आप लोग देख सकते हैं ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। और ये पार्ट है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स जो है ये दो पार्ट में आता है, वॉल्यूम वन। और आपको एक और वॉल्यूम दिखाते हैं मैकेनिक्स का, ये वॉल्यूम टू है, यानी मैकेनिक्स का इसमें दो पार्ट है, ठीक है। और भी हम दिखाते हैं आपको, यानी कुल आपको पांच पार्ट मिल जाएंगे इसमें। ये था मैकेनिक्स, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज्म भी। और ये आपका वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स का ये कवर करता है, ठीक है। इस बुक की खासियत क्या है, इसमें आपको थ्योरी भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी डिटेल नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, मतलब एवरेज मिलेंगे आपको। और प्रॉब्लम भी काफ़ी सेक्शन वाइज है, यानी एक मतलब लेवल में बांटा हुआ है, आईटी जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, और एक टाइप वन टाइप टू सेक्शन टाइप, मतलब एक अच्छा, मतलब जो ताकि डिफ़िकल्टीज ना हो बच्चों को क्वेश्चन सिलेक्शन करने में, वो इस बुक में काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। और इसके जो वर्ड्स हैं यानी समझने के लिए काफ़ी इजी है इन कंपैरिजन टू अदर बुक्स, दूसरे बुक के कंपैरिजन में इसका जो वर्ड है यानी इसका थ्योरी जो दिया हुआ है, यानी लैंग्वेज जो है काफ़ी आसान है और काफ़ी सिंपल में लिखा हुआ है। तो ये बुक काफ़ी अच्छा है, जो मुझे सबसे पसंद आया है। तो इस बुक को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं डी सी पांडे की। कुछ बुक और देखते हैं हम लोग, इसी की एक बुक आती है टी एम एच की। ये बुक बेसिकली जो है आपकी थ्योरी के लिए नहीं है, ये बुक प्रॉब्लम के लिए। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो इसमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये टी एम एच का है, टाटा मैकग्रॉ हिल, ठीक है। तो इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आपको आई टी जेई से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। और जितना भी 11 12 से लेकर पूरा टोटल जो है आपका फिजिक्स का एम सी क्यू जितना भी आपको मिल जाएगा, और इसमें सेक्शन वाइज इसमें भी है। तो प्रॉब्लम के लिए बुक बेस्ट है, थ्योरी के लिए नहीं, ये प्रॉब्लम के लिए। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो चाहे आप नीट के हो, चाहे आई टी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस बुक को बना सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सब था इंडियन राइटर की बुक। अब एक बुक की हम बात करेंगे जो कि फॉरेन राइटर्स की है, जो कि देख सकते हैं आप काफ़ी इसका साइज़ ज़्यादा है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है, विच इज़ वेरी फेमस बुक, विच इज़ विले पब्लिकेशन, विले पब्लिकेशन का है ये। और ये बुक है द फेमस बुक विच इज़ द राइटर ऑफ द बुक इज़ वॉल्कर एंड डेविड हैलिडे, यानी रेसनिक हैलिडे, शॉर्ट में हम लोग सभी लोग जानते हैं रॉबर्ट रेसनिक के बारे में। तो ये रेसनिक हैलिडे की बुक है, ठीक है, विले पब्लिकेशन की। ये बुक बेसिकली जो है प्रिपरेशन के लिए देखा जाए तो मैं कहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन सिर्फ कर रहे हैं आई टी जे की तो इस बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप फिजिक्स वाकई सीखना चाहते हैं, फिजिक्स से अगर आपको ट्रूली एक मतलब अटैचमेंट है, तो आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हैं। काफ़ी इसमें डिटेल्स में मतलब आपको कंसेप्ट मिलेंगे, और प्रॉब्लम भी काफ़ी हाई लेवल के मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के। तो सिंपली अगर आप इसको प्रॉब्लम को बनाएंगे तो हो सकता है एक एक प्रॉब्लम आपको पूरा दिन भर लग जाए, या अगर एक प्रॉब्लम आप इसका बनाते हैं तो काफ़ी आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बुक बहुत ही अच्छा, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, यानी आपके पास समय अगर कम है, 11th में है या 12th में है, तो आप इस बुक को ना रिकमेंड करें। अगर आपको आईटी जेई निकालना है तो इस बुक से दूर रहें, अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें। अगर आपके पास वक्त है 7, 8, 9 में है आप लोग और अभी फिजिक्स को अच्छा अभी जानना चाहते हैं, तो इस बुक को पढ़ सकते हैं बेसिक क्लियर करने के बाद, और इसके प्रॉब्लम को भी लगा सकते हैं। ये सब बुक जो थी आपकी आई टी जेई प्रिपरेशन के लिए थी। और भी बहुत सारी बुक आती है, जैसे एन सी आर टी की बुक है, तो एन सी आर टी की बुक भी बेसिक है। अगर आप बेसिक से एकदम पढ़ना चाहते हो तो एन सी आर टी रिकमेंड कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए और बोर्ड्स के लिए भी, ठीक है। अब कुछ हम बुक 9, 10 की बुक देख लेते हैं जो कि फाउंडेशन के लिए हो। उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। अब जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जैसे क्वेश्चन तो बुक में मिलते हैं लेकिन एक अरेंज वाइज सेट वाइज नहीं रहते हैं ना, तो एक हम आप लोग पेपर से लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है। ये आप डीसी पांडे का देख सकते हैं, डीसी पांडे सर का लिखा हुआ है। तो आईटी जेई के फिजिक्स के लिए, जेई में और एडवांस के लिए देख सकते हैं, 1979 से 2018 का है तक का है ये, लेकिन अभी आप लेटेस्ट लेंगे तो 2021 तक का भी हो सकता आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें जो सेट वाइज जो है पूरे चैप्टर का फिजिक्स का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें, और इसमें आपको यहाँ दिया हुआ भी है जेई मेंस का, जेई एडवांस का, किस सब्जेक्ट से वेटेज ऑफ क्वेश्चन क्या है, मार्क्स कितना उठा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, और तरह तरह के क्वेश्चन जो है सेक्शन वाइज इसमें बटे हुए हैं। ये जो है आप अगर थ्योरी आपने ग्रैप कर लिया पूरा कंसेप्ट, तो आप इसको लगा सकते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। तब कुछ देखेंगे फाउंडेशन के लिए।
फाउंडेशन के लिए आप लोग अरिहंत, ये सबसे पहले एस सी वर्मा का जो क्लास 9 और 10 का फिजिक्स आता है फाउंडेशन साइंस के नाम से, ये आप रिकमेंड कर सकते हैं फाउंडेशन के लिए, विच इज़ वेरी गुड बुक। ठीक है, एस सी वर्मा सर का लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट मतलब क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, जो साइंस के मतलब फिजिक्स का बेसिक के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये क्लास 10 का, क्लास 9 का भी था, अभी इसको मिल नहीं रहा तो आपको बता नहीं पाएंगे क्लास 9 का। कुछ और बुक देखते हैं, ऐसे एक आता है एमटीजी का आता है क्लास 9 10 का, ये इसमें पूरा एनसीईआरटी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे भी देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल, एनटीएससी, केवीपीवाई, बोर्ड्स, जेई, एआईपीएमटी, पीएमटी, प्री मेडिकल, है ना, ऑल इंडिया प्री मेडिकल के लिए, सब के लिए काफ़ी अच्छा है ना, ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एनटीएससी, बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है, तो ये भी बुक काफ़ी अच्छा है आपके फाउंडेशन के लिए, इसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ और बेसिक बुक देखते हैं, इसमें एनसीईआरटी भी आ जाता है। अभी एक आता है एस चांद की बुक, ये क्लास 10 का है, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर के लिखी हुई है एस चांद की बुक। इसमें दिक्कत क्या है कि एक ही चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब एलिब्रेट किया हुआ है, इसमें यह है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आराम से अगर आपको सो कर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बुक काफ़ी अच्छा है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा स्टोरी टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, शॉर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो इस बुक को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। और क्लास 9 के लिए ये भी लखमीर सिंह मंजीत कौर की, इसमें क्या, ये ओल्ड एडिशन था और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें क्या, बहुत सारे मतलब न्यू इमेजेस दिए हुए, अच्छे अच्छे इमेजेस है, जिसको आप कंसेप्ट को समझने में काफ़ी आसान होगा, तो ये बुक भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और एक TMH का ही आता है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, स्टालिन मल्होत्रा का, क्लास 9 के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आपको, अगर क्लास 9 का आपको क्लियर है प्रॉब्लम।